बंद करो, राष्ट्रपति कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां वो राजधानी देहरादून में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। मगर इस सियासी रण में राहुल गांधी की ये रैली बेहद अहम बताई जा रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसा तब हुआ था जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और इसके बाद यानी कि साल 2017 में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। और अब जहां एक तरफ राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मजबूत माने जाने वाले उत्तराखंड में वापसी करना पार्टी और राहुल गांधी दोनों के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि देवभूमि में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति काफी मजबूत देखी जा रही है। पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी आज उसी सोच और जोश को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए करते हैं खास कार्यक्रम की शुरुआत। राहुल के आने से कांग्रेस में जगी आस। राष्ट्रपति कहता है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून राहुल गांधी के संबोधन में। खंडूरी जी के पिता, आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानते हो ना? ठीक है, आपको मालूम है कि खंडूरी जी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, मालूम है आपको? अब खंडूरी जी ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेना के लिए दी, और मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दी, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में एक सवाल पूछ लिया, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पूछा, सच्चाई बोली कि जिस प्रकार से सरकार को सेना की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार के हथियार सेना के हाथ में होने चाहिए, जो प्रेपरेशन सेना का होना चाहिए वो नहीं है, और खंडूरी जी ने सच्चाई बोली। क्या हुआ? खंडूरी जी को उस कमेटी के चेयरमैनशिप से नरेंद्र मोदी ने हटाया। क्या खंडूरी जी ने गलती की? उन्होंने सच्चाई बोली, उन्होंने कहा देखिए हिंदुस्तान की रक्षा का मामला है, उत्तराखंड हर क्षण अपने बेटों को हिंदुस्तान की रक्षा करने भेजता है, कमियां हैं, कार्रवाई करनी है, और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? देशभक्त को पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से उठा के फेंक देते हैं। बीजेपी में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं दो इंजन दो, दो इंजन दो, और किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे। कहा था ना, हो गया आपका किसान कर्जा माफ। अब दूसरी तरफ देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी के स्टेट से हम कहते हैं
जो बात नरेंद्र मोदी जी ने यहां की वही बात मैंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में की, कर्नाटक में की, पंजाब में की। मैंने कहा कि किसानों को मदद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। मैंने कहा, मैंने टाइम फ्रेम भी दिया। मैंने यह नहीं कहा कि कभी हो जाएगा, मैंने कहा 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आप जाके अखबार पढ़िए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने। 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ कर दिया। आपको कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। आपको कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। ये वायदे मैंने नहीं किए थे, ये नरेंद्र मोदी ने किए थे। देश में, उत्तराखंड में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, कोई भी छोटा बिजनेस चलाता हो, मिडिल साइज बिजनेस चलाता हो, उससे पूछ लो। ये जो महिलाएं आई, इनसे पूछ लो। नोट तो देहरादून से आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को, सुनिए। भरने के बाद इनकम टैक्स वाले आपके पीछे दौड़ेंगे, खून चूसेंगे आपका। उत्तराखंड के छोटे दुकानदारों, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले, आप लोग सुन लीजिए। जैसे मैंने किसान कर्जा माफ की बात की थी, मैं यहां बोल रहा हूं, 2019 में हमारी सरकार आएगी, आएगी। और आप सब सुन लीजिए, ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, 5 अलग अलग टैक्स जो किसी को समझ नहीं आता, तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे अपनी रैली में अपने संबोधन के दौरान गब्बर सिंह टैक्स यानी कि जीएसटी का मुद्दा वो उठाते हुए, राफेल का मुद्दा उठाते हुए, और इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से निशाने पर लेते दिखे। राहुल गांधी कहते दिखे कि जब हमला हुआ था तब वीडियो बना रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार राफेल का कॉन्ट्रैक्ट जानबूझकर अनिल अंबानी को दे गई, और 526 करोड़ का जहाज मोदी सरकार ने 1600 करोड़ में खरीदा। इस तरह से आपको क्या मिलता है? उनको उनको हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है। पुलवामा के दिन अखबार आप अच्छी तरह पढ़िए, पुलवामा के दिन 6 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने अदानी जी को दिए। छोटा सा पीस था कोने में, हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट अदानी जी को दिए गए। नीरव मोदी, नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। नीरव भाई को 35,000 करोड़ रुपए, इंग्लैंड की सरकार कहती है हम इसे वापस भेजना चाहती है, चाहते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है नहीं भैया, हम इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे आपको, उसको वहीं रखो आप। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए,
तरह से राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए बीजेपी को निशाने पर लेते हुए राहुल चौकसी का, नीरव मोदी का जिक्र करते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं और इस तरह से 2019 के रन को लेकर इंग्लैंड की सरकार कहती है हम इसे वापस भेजना चाहती है, चाहते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है नहीं भैया हम इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे आपको, उसको वही रखो आप। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए जाने से पहले अरुण जेटली से मिलता है, लोकसभा में मिलता है। अरुण जेटली जी खुल के कहते हैं हाँ मुझसे मिला, जाने से पहले मुझसे मिला, बातचीत हुई, चोर है। फाइनेंस मिनिस्टर की चोर से बातचीत हुई, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सरकार के हाथ में सीबीआई, और आप कहते हो बात हुई और बात करने के बाद चला गया। शर्म आनी चाहिए आपको। देश के सामने दो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या, दूसरी समस्या किसानों की समस्या। 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों के बारे में कुछ नहीं किया। किसान अपना बीमा देता है, तूफान आता है, नुकसान होता है, डायरेक्ट उसका पैसा अनिल अंबानी की जेब में जाता है। डिस्ट्रिक्ट 5 रखे हैं, अलग अलग कंपनी को डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे, 20 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे, जम्मू कश्मीर तुम्हारा, बोनस छीन लिया, सही दाम नहीं देते, मगर भाषण में कहेंगे हां भाई मैं किसान की मदद करूंगा, किसान की मदद करूंगा, किसान की मदद करूंगा। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक कदम लेने जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। ऐतिहासिक निर्णय लिया है, गारंटीड मिनिमम, गारंटीड मिनिमम आमदनी हर हिंदुस्तानी को, गारंटेड मिनिमम आमदनी हर एक हिंदुस्तानी को देने का वादा करते दिखे राहुल गांधी। कहते दिखे कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी 15 से 20 लोगों को लाखों रुपयों का फायदा पहुंचा सकते हैं, उनका इस तरह से लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो हम भी गरीबों को दे सकते हैं। और 2019 में ये ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इस तरह से हर संभव मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए, उन पर निशाना साधते हुए, राफेल का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, कर्ज माफी को लेकर किसानों की बात हो, 826 करोड़ का जहाज मोदी सरकार ने 1600 करोड़ में खरीदा, साथ ही महज 10 दिन पुरानी कंपनी को जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए, और इस तरह से राहुल गांधी की यह दहाड़, राहुल गांधी की यह हुंकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों के लिए, जहां एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसान को दिन के 3.5 रुपए दिए और बीजेपी के सब एमपी ने 5 मिनट उनकी ओर देखकर ताली बजाई। शर्म आनी चाहिए आपको। उसको आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो चोर को, और हिंदुस्तान के किसानों को आप 3.5 रुपए देते हो दिन का। शर्म आनी चाहिए आपको, और उसके ऊपर बेवकूफ बनाने के लिए आप ताली बजाते हो। चौकीदार ये, और पूरा देश जानता है। अब देखिए
चौकीदार ने बैंक हिंदुस्तान के बैंक को नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी के हवाले कर दिया। अच्छा भैया एक बात समझ नहीं आ रही, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी मोदी, मोदी कैसे हैं? ये सब चोरों के नाम मोदी मोदी हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के बैंक का पैसा इन मोदी ने मोदियों को दे दिए, नीरव को, ललित मोदी को। भाई और बहनों, नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? 35,000 करोड़ रुपए बैंक लोन ले लिया, कितने युवाओं को उसने रोजगार दिया? कितनों को दिया? भैया यहां पे एक युवा खड़ा हो जाए, आप खड़े होइए जरा। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? क्या बोला? नितिन जी। नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को दिए, नीरव मोदी ने ज्यादा से ज्यादा 35,000 करोड़ रुपए लेकर 50-100 लोगों को रोजगार दिया होगा। नितिन जी, अगर हमने हिंदुस्तान के किसी भी युवा को बैंक का 30 लाख रुपए का लोन दे दिया, क्या वो नीरव मोदी से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकता है? कर सकता है ना? तो जो इन्होंने नीरव मोदी को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, विजय माल्या को दिया, वो हम हिंदुस्तान के युवाओं को एक एक करके बैंक लोन देंगे और उनसे कहेंगे देखो अपना जाके बिजनेस खोलो, अपनी फैक्ट्री खोलो। नाम क्या आपका? नितिन जी। नितिन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को दिए, नीरव मोदी ने ज्यादा से ज्यादा 35,000 करोड़ रुपए लेकर 50-100 लोगों को रोजगार दिया होगा। नितिन जी, अगर हमने हिंदुस्तान के किसी भी युवा को बैंक का 30 लाख रुपए का लोन दे दिया, क्या वो नीरव मोदी से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकता है? कर सकता है ना? तो जो इन्होंने नीरव मोदी को दिया, मेहुल चौकसी को दिया, विजय माल्या को दिया, वो हम हिंदुस्तान के युवाओं को एक एक करके बैंक लोन देंगे और उनसे कहेंगे देखो अपने जाके बिजनेस खोलो, अपनी फैक्ट्री खोलो, अपना छोटा उद्योग खोलो और हिंदुस्तान में रोजगार पैदा करो, चाइना से मुकाबला करो, मेड इन उत्तराखंड, मेड इन देहरादून, मेड इन इंडिया शुरू करो। और किसानों के खेत के बिल्कुल पास उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर प्रदेश में खेत के बिल्कुल पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा देंगे। जो भी आप उगाते हो उसकी प्रोसेसिंग का कारखाना आपके पास लगा देंगे। आलू उगाते हो तो आलू के चिप्स का कारखाना, टमाटर उगाते हो तो टमाटर केचप का कारखाना, सोयाबीन उगाते हो तो सोयाबीन के तेल का कारखाना बिल्कुल आपके खेत के पास लगा देंगे। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ये लोग, एक अनिल अंबानी वाला जिसमें लोग प्राइवेट हवाई जहाज में उड़े, आपकी जमीन छीने, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीब जनता का, उसमें सब लोग भूखे मर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
दो हिंदुस्तान हम कभी बनने नहीं देंगे। एक हिंदुस्तान होगा, सबका हिंदुस्तान होगा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, बिना किसान के बिना किसी से पूछे उसकी जमीन नहीं छीनी जा सकती थी। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा किसान को अपनी जमीन के लिए दिया जाता। ये हम कानून लाए और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द करा। पार्लियामेंट हाउस में 3 बार उन्होंने इस कानून को खत्म करने की कोशिश की। अपने चीफ मिनिस्टर से उन्होंने साफ कह दिया है कि जमीन किसानों से जमीन छीनकर, गरीब जनता से जमीन छीनकर आप उद्योगपतियों को दो, बिना झिझके दो, बिना डराए दो। मैं उत्तराखंड की जनता से पूछना चाहता हूं, खासतौर से जो पहाड़ों में रहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी हर रोज आपसे आपकी जमीन छीनते हैं और उन्हीं अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि वो आपकी जमीन, उत्तराखंड के किसानों की जमीन हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को क्यों दे रहे हैं। आप उनसे ये सवाल पूछिए, अगली बार यहां आएंगे आप उनसे ये सवाल पूछना कि उत्तराखंड की जनता से आप जमीन छीनकर अदानी जैसे उद्योगपतियों को क्यों दे रहे हो। उत्तराखंड का नेचर बदल, आप उत्तराखंड के नेचर को क्यों बदल रहे हो, किसकी मदद कर रहे हो आप? उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोगों की मदद कर रहे हो या फिर अदानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद कर रहे हो? ये सवाल आप उनसे पूछिए, अगले बार आएंगे तो। देखिए, यहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो, लड़ते हो ना, देश को जोड़ने का काम करते हो, किसानों की रक्षा करते हो, छोटे दुकानदारों की रक्षा करते हो, मजदूरों की रक्षा करते हो, माताएं बहनों की रक्षा करते हो। आप 5-10 उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाते हो, यह फर्क है हम में और उनमें। हम उत्तराखंड में जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सरकार चलाना चाहते हैं, हम किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलाना चाहते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, रेडफोर्ट में उन्होंने जाकर ये बात बोली। क्या उनके आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ? क्या उनके आने से पहले उत्तराखंड की जनता ने कुछ नहीं किया? आपने सड़कें नहीं बनाई, आपके लोग शहीद नहीं हुए, आपने इस देश की रक्षा नहीं की, आपके माताओं बहनों ने खेत में काम नहीं किया? क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति ने यह पूरा हिंदुस्तान बनाया है? ना, नरेंद्र मोदी आप सबका अपमान करते हैं। यह देश आपका है, यह जमीन आपकी है और यह सरकार आपको चलानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर दिल्ली में और उत्तराखंड में आपकी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूं, हर बूथ पे आप लड़ो, एक इंच पीछे मत हटो और यहां पांचों की पांचों सीट कांग्रेस पार्टी को आप जितवाओ। एक बार फिर बीएसपी के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप कांग्रेस पार्टी में आए हो, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी के आप सेना में शामिल हुए हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज यहां खंडूरी जी आए हैं, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो जोरदार तरीके से यहां
देवभूमि में देहरादून में अपनी रैली में संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिखे राहुल गांधी, राफेल का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर से अनिल अंबानी पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते दिखे। और इस तरह से उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी आज ये वहां रैली चल रही है, ये रैली राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए बेहद अहम, क्योंकि लोकसभा की 5 सीटों पर नजरें हैं और ऐसे में राहुल हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं कि 5 सीटों में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।